बाय बाय स्वीट होम, बाय बाय गंड गंड टमाटर। तो अपन तो बचपन से ही एडवेंचर्स के शौकीन रहे हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ऊंचाइयों की बात आती है। हमने ये फैसला किया कि हम अपने साइड के सबसे ऊंची माउंटेन पीक वस्तुरवन पे ट्रैक और नाइट कैंप करेंगे, जो कि कश्मीर के त्राल के इलाके में पड़ता है। तो ये रही हमारी सफ़र की कहानी। कसम से मेरी इस लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी जंड हो रखी थी एकदम, लेकिन आज बहुत दिनों बाद हम जा रहे ट्रैक पे। अभी मैं ताज़ा सांस ले पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ दो तीन और बंदे हैं। हमारे साथ एक और बंदा था सहेब, अगर तू देख रहा है वी मिस यू यार, वी मिस यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पॉजिटिव आ गया और हम लोगों का नेगेटिव आ गया। खैर अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे और हम अपने घरों में नहीं है, ठीक है। तो फैसल साहब हमारे साथ आज अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अगर ये अगर चलो बाय बाय ब्रो, टेक केयर। लगभग सॉरी ब्रो, तो हमने बिल्कुल सारी तैयारी कर दिया, सारा सामान हमने ला दिया। आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे बैग भरकर है, हमारे पास टेंट भी है। आज हम वस्तुरवन पे कैंपिंग करने जा रहे हैं। ये बंदा देखो कितना एसओपी को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी मास्क पहन रहा है। पता था वही वालों को नहीं था थोड़ा। देखो कहाँ जाना है हमें, बादलों के बीच में, और वहाँ पर पांच छह बंदे हैं शायद, वहाँ वहाँ उधर है ना। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, इससे अपन को मिलती है एनर्जी, और फिर हम चढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट पे। वाओ, आज कसम से लगभग पाँच छः महीने लगभग दो तीन महीने के बाद हम निकले घर से ऐसे किसी ट्रिप पे, बादल हट गए वहाँ से। बट इट्स अ रिस्की जॉब बिकॉज वहाँ पर बालू भी हो सकते हैं एंड बादल है वहाँ पर, तो डिफिकल्टीज बहुत सारी हमें फेस करनी पड़ेगी, बट इंशाल्लाह सब सही होगा। बस मतलब क्या गो वस्तुर, शायद एक जानवर है शायद, और मे भी एक जानवर भी हो सकता है, और वन का मतलब जैसे सबको पता है वन इज अ कश्मीरी वर्ड दैट मीन्स जंगल, ठीक है। देखो सब कुछ सही है, लेकिन मेरे जूते ना इम छ ट्रैकस लगा बिल्कुल कहीं, वहाँ पर घास है और वहाँ पर अगर स्लिप हो गया ना तो बस मर गया मैं कसम से। देखो अगर आप कहीं भी ट्रैक पे जा रहे हो तो एक गाइड होना जरूरी है, और हमारे साथ आज हमारे साई साहब है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है, मतलब शौकीन बंदा है, शौकीन बंदा है बिल्कुल पहाड़ों का। वाह, एक लूर होना जरूरी है सपोर्ट के लिए, ठीक है। चलो इस बंदे को देख रहे हो, इसी इसीये जूम क्लासेस दिमा लाइक नजर आचे वल्लाइन वल्लाह। देखो यार हाउ ब्यूटीफुली दिस प्लेस इज डिजाइन, यहाँ पर पत्थर है, देखो कितने ब्यूटीफुल है ये डिजाइन इनका, वाह। और ये जो पहाड़ यार, सोचो कसम से अगर ये इस तरीके से होते कितने अजीब लगते, लेकिन खुदा ने इनको बहुत सही तरीके से डिजाइन किया है। पा क्या हम आप ब्रोटी पाते ही यार, रुकिया साहिल यहाँ पे हम लगभग आधा घंटा रेस्ट करेंगे और फिर दो सवा दो फिर हाँ इसको शायद वेंट नाट बोलते हैं, वहां पर ये ना पानी बह रहा है, वहां पानी बह रहा है, वाटरफॉल है, ठीक है।
भाई साहब देखो यार, साहिल साहब का दिमाग कल खराब है कसम से। इससे ना कंफर्ट मिलेगा, वरना ये मुझे अजाब कराएंगे ना ये, इससे कंफर्ट मिलेगा। चलो जी देखो जी, हमें कहाँ से अब चढ़ना है यार, अब स्लिप का खतरा है बहुत सारा। हाँ पहर पर पहर था तो इतना सब हमने पार कर लिया है, देख रहे हो। अब हमें जाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ सीधे टॉप पे पहुंच जाएंगे वहां से। सी गाइस, व्हाट आई फाउंड, ये किसकी आईडी हो सकती है, क्या बात समझ गया। ये किसकी हड्डी हो सकती है, शाल साल की। गाइस ये जो जूता है ना, ये इस पे बहुत ही ज्यादा स्लिप करता है। ऊपर फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पर ये चीज जरूरी होगी वहां पर, ये ना ये, और इस पे मेरा जूता बहुत ही ज्यादा स्लिप करता है। सो अगर आप कभी भी ट्रैकिंग पे आते हो, ठीक है, तो कोई अच्छा सा जूता लाओ, ठीक है, मेरी तरह ये बैग लची नहीं करना, मैं मरने वाला था वहां पर। तीन बज गए। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे, अब ज्यादा हम रेस्ट नहीं करेंगे, नहीं मेरे हिसाब से अब हम ज्यादा रेस्ट नहीं करेंगे, अब हम अच्छे से जाएंगे, आराम से ही जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, ओके लेट्स गो। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ये तो पता है, लेकिन हम अभी खैरियत से नहीं है, क्योंकि बहुत ही दिक्कत उठाना पड़ा यहाँ पे आने के लिए। बहुत उम्मीद है आप सब लोग SOPs को फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से। या इस धूप की वजह से हमारी एनर्जी भी कम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बस 5 मिनट का सफर है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। सो गाइस फाइनली We are at our destination. See how beautiful it is. Allah. Look. सोचा था कि यहाँ सिर्फ हम होंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन यहाँ और भी 5-6 टेंट्स है। पीपल आर कमिंग फ्रॉम श्रीनगर एरिया, पीपल आर कमिंग फ्रॉम क्रू एरिया, पीपल आर कमिंग फ्रॉम पामपोर एंड मैनी अदर प्लेसेस। तो स्टिल वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, हर कोई यू नो SOPs को फॉलो कर रहा है, मास्क पहन रहा, हर कोई नहीं पहन रहा मैं सच ही बोलूँगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग सब रख रहे हैं, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। मैं आपको रिकमेंड ये ज़रूर करूँगा, देखिए सामने माउंटेन्स हो और आपके हाथ में एक कप चाय एंड कोई अच्छा सा बिस्किट हो, बस ये फीलिंग अलग ही, चाय लवर्स विल अंडरस्टैंड, ये फीलिंग अलग ही है कसम से। और मैंने सुना है वहाँ पर कोई आस्थान है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैंने सुना है, देखते हैं अगर टाइम बचा तो वहाँ भी जाएंगे। एंड यहाँ पर बाकी कुछ खास नहीं है इस खूबसूरत जगह के अलावा, और कुछ खास नहीं है मतलब ये पेड़ है वो, और इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। सो
गाइस बाहर से होने लगी धड़ाधड़ बारिश, सुन ही सकते हो बारिश की आवाज। एंड वी वर नॉट एबल टू कुक एनीथिंग। हमारा प्लान था हम आज कुछ चिकन तैयार करेंगे बाहर, आग जलाएंगे वगैरह, लेकिन अब प्लान नहीं हो पाया। तो दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये मौसम ठीक हो जाए एंड हम कुछ अपने लिए खाना बना सके, बिकॉज भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही है। फिलहाल हम बिस्किट के साथ जड़ कर रहे हैं। देखो यार कसम से यार यार क्या शिकस्त था बाक हुआ। ओ ओ ब्रो 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 अस्तक्रोला अस्तक्रोला ये बिस्किट रोक होता ये बिस्किट रोक तो गाइस शाम के बाद रहे 8:30 ना 8:15 शायद हमने देखा था अभी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम सही हुआ है थोड़ा सा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेंट थोड़ा सा हिला था लेकिन कुछ नहीं हुआ, शुक्र है खुदा का। अब वह तो सॉरी आई एम रियली सॉरी ब्रो। तो हमने कुछ पेट पूजा करने के लिए बिस्किट वगैरह से काम लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मौसम सही होता है उसके बाद देखते हैं कुछ कुक कर पाएंगे तो करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर हमारे पास जो स्टॉक है उसी से काम चला लेंगे, ठीक है। अभी 10:30 बज रहे हैं शायद, कितना बज रहे हैं 10:30 बज रहे हो अभी। सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्लीप, अभी हम सोएंगे। एंड इस वीडियो का और एक एपिसोड आएगा, ठीक है, वो जरूर देखना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे बहुत जल्द किसी बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड एपिसोड में हमारा कल का दिन होगा, ठीक है, सी या। शाम का सिटी का व्यू, वो ये कैमरा में सही से नहीं दिख रहा लेकिन इन रियल इट्स रियली टू मच ब्यूटीफुल।